जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और मैं पंडित बीएन शास्त्री, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों का दिसंबर 2020 के राशिफल के बारे में, कैसा रहने वाला है आप लोगों का दिसंबर 2020। उसमें हम बात करेंगे आपके व्यापार की स्थिति के बारे में, नौकरी की स्थिति के बारे में, संतान सुख की स्थिति के बारे में, आपकी आर्थिक और धन की स्थिति के बारे में, परिवार सुख की स्थिति के बारे में और शिक्षा और संतान की स्थिति के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के अंत में एक उपाय भी दूंगा, क्योंकि हमारी कुंडली में, हमारे राशिफल में, चाहे हमारा राशिफल कितना भी मजबूत हो और हम अगर उपाय करते हैं तो उससे हमारी स्थिति और अच्छी हो जाती है। तो इसलिए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि उपायों से ही हमें समाधान की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में एक उपाय भी दूंगा जो आप करिएगा, ताकि आपका दिसंबर का महीना अगर उत्तम है तो और उत्तम हो जाए, अति उत्तम हो आपके लिए, हो अच्छे से अच्छा आपके लिए साबित हो। तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो पहले हम बात करते हैं नौकरी के बारे में, नौकरी वर्ग के लोगों के बारे में। देखिए, आप लोगों के माध्यम से ही हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे आपका नवंबर के महीने में नौकरी वर्ग वालों के लिए आप लोगों के द्वारा किए गए मैसेज, व्हाट्सअप या कॉल के माध्यम से हमें पता चला कि नौकरी में आपके नवंबर के महीने में कुछ कठिनाइयाँ रही हैं। जैसे आप अगर सेल्स या मार्केटिंग में हैं, उन लोगों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अगर आप रिटेल के किसी बिजनेस में जॉब करते हैं, आप किसी शोरूम में काम करते हैं, रिटेल में आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ हानि का सामना करना पड़ा है। या काफ़ी समय से आपका बार बार नामांकन हो रहा है प्रमोशन के लिए, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो उस सभी बारे में मैं आपको बता देता हूँ इस महीने आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, दिसंबर के महीने में आपको, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपका इस महीने भी, दिसंबर के महीने में भी 50-50 योग बन रहे हैं। यानी कि 15 तारीख के बाद आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, पर 15 तारीख से पहले आपके अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको मेहनत और अधिक मात्रा में करने की आवश्यकता है। अगर आप रिटेल मार्केटिंग में हैं, रिटेल में आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 तारीख से ही आपकी स्थिति अच्छी हो रही है, क्योंकि कुछ ग्रहों का गोचर होने वाला है इस महीने, जिससे आपकी स्थिति पर, धनु राशि की कुंडली पर असर पड़ेगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको दिसंबर में नौकरी के योग जरूर आपके संपन्न होने वाले हैं। एक अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, जिसमें अच्छी इनकम भी आपको मिलने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप कर सकते हैं। दिसंबर में आपके पूर्ण योग बन रहे हैं नौकरी परिवर्तन के, और अगर आप नौकरी परिवर्तन करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी भी साबित होगा भविष्य में, क्योंकि दिसंबर में अगर आप नौकरी परिवर्तन करते हैं तो आपको आगे चलकर या आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप नौकरी परिवर्तन करें तो उसके लिए पहले से आप पूर्ण जानकारी करें, उसकी पूरी आप जानकारी इकट्ठी करें, तभी आप नौकरी में परिवर्तन करें। तो नौकरी वर्ग के लिए समय अच्छा है, कुछ विशेष नौकरी वालों के लिए समय 15 तारीख के बाद अच्छा होने वाला है। अगर हम व्यापारियों के लिए बात करें, जो लोग बिजनेस में हैं, धनु राशि वाले व्यापार वर्ग में, तो अगर जो है व्यापार में आप लोग वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल और मार्केटिंग का आपका काम है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, या आपका कोई कमीशन बेस्ड व्यापार है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए व्यापार की स्थिति मजबूत है। अगर आपका कोई ग्रोसरी शॉप है, यानी आपकी अगर कोई दुकान आप चलाते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो वस्त्र से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक के सामानों की हो, या खान पान के उत्पादन की दुकान हो, तो उसके लिए भी आपको अच्छा रहने वाला है दिसंबर का महीना, क्योंकि कोरोना में काफ़ी समय से आपको स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ी और उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, पर दिसंबर के महीने में आपको अच्छा धन मिलने वाला है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं, तो धन की स्थिति आपकी अच्छी और मजबूत नज़र आ रही है। आर्थिक स्थिति की जो नींव है वो आपकी अच्छी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति एक अच्छे स्तर पर आपकी रहेगी, धन खर्चा आपका कम होगा, आय अधिक रहने वाली है। आपका कुछ धन खर्चा आप करेंगे, वो भी आप अपनी संतान के ऊपर कर सकते हैं इस माह पे। यानी आपको अगर आपके संतान का कहीं एडमिशन कराना है, किसी आपको उनका किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है, या कहीं उनकी जॉब के लिए आपको कहीं धनराशि व्यय करनी है, तो उन चीज़ों पर आपका खर्चा बढ़ सकता है, जो कि आपकी संतान के भविष्य को लेकर होने वाला है।
अगर आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य में आपको कठिनाइयां महसूस हो सकती हैं, रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या आपको बन सकती है, ब्लड का इन्फेक्शन की कोई समस्या आपको बन सकती है, या चोट भी आपको इस महीने लग सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देकर चलना है, खान पान की वस्तु चीज़ों का आपको ध्यान से सेवन करना है, क्योंकि आप अगर तला बुना ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य पर अधिक असर पड़ेगा और आपका खर्चा स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकता है। अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं, आपके माता पिता की सुख की बात करूं या भाई बहनों की सुख की बात करूं, तो माता पिता और भाई बहनों का सुख आपको अच्छा रहे मिलने वाला है इस महीने। अगर आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफ़ी समय से खराब हैं तो वो दिसंबर के महीने में आपके अच्छे हो जाएंगे, भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं और आपका भाई आपके साथ व्यापार करना चाहता है, आपके व्यापार में जुड़ना चाहता है, तो आप जोड़ सकते हैं, उससे भी आपके व्यापार पर और आप दोनों के रिश्तों पर संबंधों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम प्रेम प्रसंग की बात करूं तो इस महीने दिसंबर के महीने में रोमांस और रोमांच दोनों ही आपके दिमाग पर हावी रहने वाला है, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, अपने दिमाग पर रोमांस और रोमांच हावी ना होने दें। इसकी वजह से आपको कार्यों में रुकावटें या बाधाएं आ सकती हैं, आपका मन काम से हटकर रोमांस और रोमांच की तरफ जा सकता है, जिससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं, तो दिसंबर के महीने में आप कर सकते हैं, धनु राशि वाले आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके जिनसे आप प्यार करते हैं और वो मेष राशि की हैं, तुला राशि की हैं, मकर राशि की हैं, तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर मेष तुला और धनु के हैं तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़े की स्थिति बढ़ सकती है। अगर आपके मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूँ, मैरिड लाइफ की बात करूँ, क्योंकि जब आप शादीशुदा होते हैं तो उससे चीज़ें आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ होने से आपके ऊपर एक बोझ बढ़ जाता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो मैरिड लाइफ आपकी इस महीने संतुलन में नहीं रहेगी, अप एंड डाउन की स्थिति नज़र आ रही है। और दिसंबर के महीने में आपके जीवन साथी से आपका झगड़ा वाद विवाद किसी अन्य बात को लेकर या किसी अन्य व्यक्ति को लेकर बढ़ सकता है, उसका आप ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी की नौकरी अगर वो जॉब करते हैं तो दिसंबर के महीने में आपके जीवन साथी की नौकरी भी जा सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनकी नौकरी जाती है तो आर्थिक जो समस्या का बोझ है वो आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आप दोनों के संबंधों में खटास आ सकती है, संबंधों में समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो जीवन साथी की तरफ से थोड़ा सा सचेत रहने की आपको आवश्यकता है, थोड़ा सा आप अपने संबंधों पर रिलेशनशिप पर ध्यान दें। अगर आप अविवाहिक हैं, विवाह के लिए सोच रहे हैं, तो दिसंबर में 15 तारीख के बाद आपके विवाह के संपूर्ण योग बन रहे हैं, ग्रह गोचर बदलने से, अब ग्रह का राशि परिवर्तन करने से दिसंबर 15 तारीख के बाद आपके विवाह के योग बन जाएंगे। आप चाहे विवाह अगले महीने करें, जनवरी में करें या 2021 में कभी भी करें, पर दिसंबर में आपका विवाह उनसे फिक्स हो जाएगा, तो आप विवाह कभी भी कर सकते हैं पर आपका विवाह के योग संपूर्ण हो सकते हैं। तो ये आपका राशिफल है। अगर मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था उपाय को लेकर, तो अगर मैं उपाय की बात करूं तो धनु राशि वालों को गुरुवार के दिन पीपल पर या केले के वृक्ष पर एक दिया जरूर जलाना है, कोई बड़ा उपाय नहीं है। चार गुरुवार आएंगे, चारों गुरुवार आप पीपल पर या केले के वृक्ष पर एक दिया जरूर जलाएं, चाहे वो सुबह हो या शाम, ये जरूर करें, जिससे आपका महीने जो दिसंबर के महीने में कुछ चुनौतियों का सामना, परेशानियों का सामना आप करने वाले हैं, उनसे आपको राहत मिल सके, वो समस्या आपकी समाप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई राशिफल के साथ। जय माता दी मित्रों।